everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग एनालॉजी की क्लास करेंगे जिसमें आज आपके क्लास नंबर 38 है. ओके, इससे पहले 37 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो प्लीज़ एक बार जाके गो थ्रू कर लो. आज जो डिस्कस करेंगे वो अब तक की 37 क्लासेस में हमने एनालॉजी को डिस्कस किया था, बट आज के क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे. आपका सेकेंड टॉपिक है आपके रीजनिंग का. ओके, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिशन्स में आए, जैसा कि मैंने एनालॉजी में अब तक के 37 क्लास में सिर्फ और सिर्फ एनालॉजी पढ़ाया है, उसके जितने भी टाइप पॉसिबल हैं एज कॉम्पिटिशन पेपर में या जितने भी, वो सारे ही मैंने आपको कराए हैं. तो आज जो मैं क्लासिफिकेशन कराऊँगी तो सेम बेसिस पे कराऊँगी, सारे पेपर्स के क्वेश्चन कराऊँगी क्लासिफिकेशन के. स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन. उससे पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका यूटिलाइजेशन कर सकें. स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू नो कि वॉट इज़ क्लासिफिकेशन एंड वॉट यू हैव टू क्लासीफाई विद इन दीज क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर एंड ऑर्डर. ओके, सो बेसिकली द क्लासिफिकेशन इज, क्लासिफिकेशन मीन्स to assort the item of a given group of a basics of certain common quality they possess and the spot and the stranger out. तो basically क्या होता है, बहुत सारे आपको यहाँ पे C से D E आपको दिए हुए options, उसमें से आपको common, उनमें जो भी अगर कोई भी qualities common रहेंगी उसमें से, जैसे for example इसमें E दिया है तो इसमें चार की quality same होगी, एक की नहीं होगी, तो आपको you have to find out and you have to kick out the odd one out. So जो भी odd होगा उसको हटाना है, you have to correct that. So you have to part जो type one है इसमें, तो choosing the odd word, तो आपको इसमें odd word को choose करना है जो part type one है. Start करते हैं question number one से जो कि classification का है. Option A is book, B is paper, C is pencil, D is pen and E is sharpener. अगर मैं बात करूँ तो जो बी है आपका पेंसिल है, पेन है, शार्पनर, ये सब का यूज़ करने, लिखने के लिए या कह सकते हैं स्टेशनरी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है. ये बीएसआरबी में क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था. आपका बुक जो है वो आपका क्या है, दैट इज़ ऑलरेडी रिटन, यू डोंट हैव टू यूज़ दैट, यू हैव टू जस्ट रीड इट आउट. तो ऑड वन आउट इसके पर्पज़ में बुक होगा. सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन, द सन, यूनिवर्स, मून, मार्स एंड द स्टार. सो यू हैव टू फाइंड आउट, ऑब्वियसली होता है बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. तो सन है, मून है, मार्स एंड स्टार है, ये सब आपके यू नो ऑर्बिट्स, सोलर सिस्टम ऑर्बिट्स के बारे में, और ये यूनिवर्स जो है उसमें तो कंक्लूड करता है, तो इसलिए ये आपका ऑर्बन आउट है. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज ऑप्शन ए इज योर डेक, बी इज स्टर्न, सी स्क्वेयर, बी इज बाव एंड ई इज मास्ट. ये आपके एम बी ए के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, तो इतना ईजी नहीं होगा जितना ईजी आप समझ रहे हो. ठीक है, द आंसर विल बी द क्वे, क्वे इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर, ऑप्शन ए इज हॉस्टल, बी इज होटल, सी इज इन, डी इज मोटल एंड ई इज क्लब. तो जहाँ तक आप जानते हो हॉस्टल, होटल और इन और क्लब में सभी लोग जाते हैं आर बी आई के क्वेश्चन पेपर में. मोटल जो होता है वो दैट इज सिनोनिम. ओके, नेक्स्ट वी कंक्लूड विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर फाइव. या दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फाइव, यू हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ द ऑड वन आउट. सो प्लीज़ डू थिंक ऑफ इट कि आप खुद से आंसर दे सको. अगर नहीं दे पा रहे हो तो इट मीन्स अभी आपका थोड़ा सा लेवल डाउन है, अदरवाइज इफ अगर आप दे पा रहे हो तो देन दैट इज अप्रिशिएटेड दैट यू आर गोइंग वेल इन दैट. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ऑप्शन ए इज पाइनएप्पल, बी इज ऑरेंज, सी इज माल्टन, माल्टा, डी इज लेमन एंड ई इज बनाना. तो यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा. पाइनएप्पल जो है वो जूसी आपका जूसी फ्रूट है, ऑरेंज भी जूसी फ्रूट है, माल्टा भी जूसी फ्रूट है, लेमन भी इज ऑल्सो अ जूसी फ्रूट, बट बनाना इज नॉट अ जूसी फ्रूट. ये आपका एस बी आई पी ओ में पूछा गया था, सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट. ओके, कोई भी रिलेशन निकल सकता है, ज़रूरी नहीं अब ये बोलोगे कि ये सब तो फिर सारे ही फ्रूट है, ऐसा नहीं है. हो सकता है जूसी देते, नॉन जूसी देते, देन यू हैव टू फाइंड आउट द जूसी वन. तो कुछ भी हो सकता है, वो आपको खुद दिमाग लगाना है क्या इसमें रिलेशन बन रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स, दैट इज ऑप्शन ए इज हार्ट, बी इज ईयर, सी इज लंग, डी इज आई एंड ई इज किडनी.
सो जहाँ तक जानते हो एयर के भी दो पेयर होते हैं, लंग के भी दो पेयर होते हैं, आई के भी दो पेयर होते हैं, किडनी के भी दो पेयर होते हैं। पेयर किसके नहीं होते? हार्ट के पेयर नहीं होते, वो एक इकलौता होता है जब रुक जाएगा तो डेड। ओके, तो ऑब्वियसली बात है हार्ट आपका आंसर होगा, बैंक पेयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज ए ऑप्शन इज टेलर, बी इज बार्बर, सी इज इंजीनियर, डी इज कार्पेंटर एंड ई इज ब्लैक स्मिथ। सो वॉट विल बी द आंसर, यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू टेल मी अबाउट दैट। टेलर भी जो है वो रॉ मटेरियल से ही रॉ मटेरियल उसको मिलता है उसका, फिर वो यूज़ करके कुछ बनाता है। इंजीनियर भी रॉ मटेरियल मिलता है देन उसका यूज़ करके कुछ बनाता है। कारपेंटर भी सेम एज ब्लैक स्मिथ भी सेम। बाबा जो होता है वो रॉ मटेरियल का उसका कोई यूज नहीं होता है, इस वजह से ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। दैट इज योर बैंक पीओ में क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन ए इज फैराडे, बी इज न्यूटन, सी इज बिथवेम, डी इज एडिसन एंड ई इज मार्कोनी। तो फराडे हैं, न्यूटन हैं, एडिसन हैं, मैकोनी हैं, ये सारे आपके साइंटिस्ट हैं। बीथवन जो है वो आपके प्रोफेसर हैं, तो ये आपके नहीं होंगे, ये आपका कैट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन ए इज इंच, बी इज फुट, सी इज यार्ड, डी इज क्वार्ड्स एंड सी इज मीटर। तो ये सारी जो ये है, इंच है, फुट है, आपका यार्ड है और मीटर, ये सब एरिया को नापने के लिए यूज़ किया जाता है, क्वार्ड्स नहीं किया जाता। ये सीआरए के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, आपको फाइंड आउट करना था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज ऑप्शन ए इज टेलीविजन, बी इज रेडियो, सी इज कंप्यूटर, डी इज टेलीफोन एंड ई इज एक्सरे। तो टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर और टेलीफोन, ये सब आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक्सरे नहीं है। ये एसबीआई क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, तो आंसर विल बी द एक्सरे। तो प्लीज़ सब लोग एक बार गो थ्रू कर लो क्वेश्चन को, हमारे वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास, कि जो भी हम वीडियोस में क्वेश्चंस कराते हैं बेटा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड योर लेक्चर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो डू शेयर एंड डू लाइक आवर वीडियोज़ इन, इफ यू डोंट हैव येट सब्सक्राइब अवर चैनल टू डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू।